अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है पेट इन्फो में, और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉग का 18th एपिसोड। और इस एपिसोड में हम रॉटवाइलर वर्सेस पिटबुल के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओरिजिन, पिटबुल का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट से है। पिटबुल डॉग टेरियर और बुलडॉग का क्रॉस ब्रीड है। पिटबुल डॉग फियरलेस और स्ट्रांग होते हैं, इसलिए लोगों के दिमाग में इनकी बैड रेपुटेशन है। और ये डॉग ब्रीड फ्लोरिडा, ग्रेट ब्रिटेन, डेनवर और न्यूजीलैंड में बैन है। लेकिन समय के बदलते वक्त में कुछ सिटीज इनके ऊपर से बैन हटा रही है। रॉटवाइलर डॉग जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जर्मनी में जब रोमन लोग रहने आए थे तब वो रॉटवीलर का उपयोग गाय और भेड़ों को चराने के लिए करते थे। और इसके बाद कुछ फार्मर्स और बुचर्स सामान से भरे गाड़ों को खींचने के लिए रॉटवाइलर का इस्तेमाल करते थे। रॉटवाइलर डॉग का नाम जर्मनी के रॉटवाइल गांव से बिलोंग करता है। गार्डिंग एंड सोशलाइजेशन। पिटबुल डॉग मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है। ये डॉग्स पावर और एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन डॉग्स को बचपन से ही अच्छी तरह सोशलाइज किया तो ये डॉग्स अच्छे फैमिली फ्रेंडली डॉग भी बन सकते हैं। इन डॉग्स को डेली 40 टू 50 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए, और इनको रहने के लिए बड़ा घर या फिर बैकयार्ड की ज़रूरत है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए नहीं है। पिटबुल को अपने मालिक के साथ रहना बहुत पसंद होता है और बहुत लगाव भी होता है। अगर कोई स्ट्रेंजर अपने ओनर के ऊपर हमला करे तो वो उनकी जान भी ले सकता है। रॉटवाइलर डॉग वर्ल्ड गार्ड डॉग रैंकिंग लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं। ये डॉग्स अलर्ट और प्रोटेक्टिव होते हैं। रॉटवाइलर डॉग फर्स्ट टाइम ओनर के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि इस डॉग को अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत होती है। रॉटवाइलर डॉग्स बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। अगर अपने ओनर पर कोई स्ट्रेंजर या फिर किसी जानवर ने अटैक किया तो वो अपनी जान की परवाह न करके ओनर का प्रोटेक्शन करते हैं। ये डॉग्स लार्ज साइज के होते हैं, और इनको रहने के लिए मीडियम या फिर लार्ज साइज के घर की ज़रूरत होती है। रॉटवाइलर डॉग एग्रेसिव होते हैं, इस वजह से इनको अच्छे सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। कलर एंड शेडिंग। पिटबुल डॉग ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ब्लूइश ग्रे, ब्राउन, ग्रे, वाइट, रेडिश ब्राउन और फॉन कलर्स में पाए जाते हैं। पिटबुल का कोट शॉर्ट होता है, इसलिए इनको ग्रूमिंग करना और मेंटेन रखना आसान होता है, और इनका शेडिंग सीजन 8 to 9 मंथ्स में आता है। रॉटवाइलर डॉग ब्लैक, टैन और महोगनी कलर्स में पाए जाते हैं। इनको ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनका कोट शॉर्ट होता है। रॉटवाइलर का शेडिंग सीजन 7 or 8 मंथ्स में आता है। मेंटेनेंस। पिटबुल का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 25,000 to 30,000 तक आता है। रॉटवाइलर का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 20,000 to 25,000 तक होता है। हाइट। पिटबुल की एवरेज हाइट 18 to 20 इंचेस होती है। रॉटवाइलर डॉग की एवरेज हाइट 22 to 28 इंचेस होती है। वेट। पिटबुल का एवरेज वेट 14 to 30 केजी तक होता है। रॉटवाइलर का एवरेज वेट 35 to 60 केजी तक होता है। लीटर साइज। पिटबुल की लीटर साइज एवरेज 5 to 10 पपीज तक होती है। रॉटवाइलर की लीटर साइज एवरेज 8 to 12 पपीज तक होती है। लाइफ स्पैन। पिटबुल का लाइफ स्पैन 8 to 15 ईयर्स तक होता है। रॉटवाइलर डॉग का लाइफ स्पैन 8 to 10 ईयर्स तक होता है। प्राइस। पिटबुल की एवरेज प्राइस 12,000 और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। रॉटवाइलर डॉग की प्राइस 9,000 से लेके 20,000 तक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज के डॉग वर्सेस डॉग का 18th एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कौन से 20 डॉग को चूज़ किया। और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।